when you talk about connecting to people, we have our own digital media mechanism, and also when we are connected to organizations like Dipalia, they have their own ways of connecting to people. If you see in Sanjay Colony, Dipalia is well known. They have reached out to the minutest level of the community, and that's how they have spread the message, and they have so many. In the last 2 weeks, they were able to register 54 children already. So they have reached 54% of the target already in just 2 weeks. So we always tie up with local communities and local organizations who have reached to the deepest level, and that's how we go ahead and ensure that our work reaches to the closest level. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो नई के कम्युनिटी के लिए, हर इंसान के लिए, इट्स अ राइट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू बी एजुकेटेड. इफ यू आर एजुकेटेड यू कैन रीच द स्काई, दैट्स व्हाट इट सेज. तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को एजुकेट करना, जैसे एक मॉम होता है उसमें कुछ डालना हो तो बचपन में जो कुछ एजुकेट जिसको कर देते हैं वो हमेशा रहता है. इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट राइज है, एंड जैसा कि ये नाम ही बता रहा है, इस पे एजुकेशन और डेवलपमेंट, इन दोनों चीज़ों पे ही फोकस रखा गया है. डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, ये एजुकेशन से एक स्टेप अहेड है, बिकॉज इसमें हम ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट, उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल परस्पेक्टिव से स्वास्थ्य की हम बात इस पर करते हैं. वॉशिंग यूनिसेफ का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, उसको हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू कैटर करते हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम पेरेंट एजुकेशन एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्गर रन में सस्टेन कर सकें, इस पर करते हैं. वॉशिंग यूनिसेफ का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, उसको हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू कैटर करते हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम पेरेंट एजुकेशन एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्गर रन में सस्टेन कर सकें.